हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से इंपोर्टेंट नोटिस आ चुका है। दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए जरा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर जुलाई सेशन 2022 to 2023। ये सीबीएसई पैटर्न के जो स्टूडेंट है उनका है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम। दोस्तों, इन बच्चों के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप सभी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है या अंडर ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है, मतलब डिप्लोमा, पीजी मतलब डिप्लोमा के जो स्टूडेंट है, उनका टाइम टेबल कब से है, उनका एग्जाम कब से है, ये कमेंसमेंट डेट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अरे, वीडियो अच्छा लग रहा है, इतना मेहनत करना पड़ता है वीडियो के लिए, या प्लीज आपको कुछ सेकंड रखेगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर हमारी कोई गलतियां या आपको वीडियो के द्वारा और कुछ भी जानना हो तो प्लीज वीडियो में कमेंट करना, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इधर ध्यान देते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला। सबसे पहली बात तो इधर आपको दिया गया है सेमिस्टर टू के, मैं ये तीन जो 1, 2, 3 जो बताने वाला हूँ, ये तीनों सेमिस्टर टू के बच्चों के लिए है। FYBA, FYBCOM और FYBCOM फाइनेंस, मतलब फाइनेंस के जो स्टूडेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, चाहे आप रिपीटर स्टूडेंट हो चाहे आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम है वो 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई या 8 जुलाई के बीच में होने वाला है। FYBA और FYBCOM के जो स्टूडेंट का टाइमिंग होगा एग्जाम का, वो 11 मॉर्निंग 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। लेकिन अगर FYBCOM फाइनेंस के बच्चों की बात करो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, तो इनका जो एग्जाम होने वाला है 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों, ये अगर आपको नहीं समझ रहा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, दोस्तों ये जो BMS के जो स्टूडेंट है, BEF के जो स्टूडेंट है, ये उनके स्ट्रीम के लिए है। दोस्तों, अगर उसके नीचे की बात करो तो दोस्तों ये सेम 4 की बात कर रहा हूं, SYBA फ्रेशर और रिपीटर स्टूडेंट, इनका भी 11 बजे से लेके 2 बजे तक का एग्जाम है। और इनका जो टाइम टेबल आने वाला है दोस्तों, वो 10 जुलाई से लेके 18 जुलाई के बीच में रहेगा, आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। फिर FYBCOM के जो स्टूडेंट है, फ्रेशर और रिपीटर, इनका भी सेम मतलब टाइमिंग रहेगा 11 बजे से लेके 2 बजे तक, इनका भी जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों 10 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में रहेगा। SYBCOM का स्टूडेंट जो फाइनेंस के है, ठीक है, इनका 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक का एग्जाम रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इनका जो एग्जाम है वो भी 10 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में रहेगा। एंड दोस्तों सॉरी, आपको एक नॉइज आ रहा होगा बाइक्स के एंड ऑल, मैं इस समय मेरे ऑफिस में बैठा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऑफिस में बैठ के वीडियो शूट कर रहा, तो बाहर के नॉइज थोड़े आ रहे, तो उसके लिए दिल से सॉरी दोस्तों। देन 7 जो नंबर है 7, 8, 9 दोस्तों, ये जो है FYE सेमिस्टर 1 के बच्चों का है, FYBA, FYBCOM, FYBCOM अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टाइमिंग सेम जो ऊपर फॉलो किया गया था सेम टू में सेम टाइमिंग है। और इनका जो एग्जाम है दोस्तों 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक के बीच में रहेगा। अगर थर्ड सेम की बात करूं SY की, तो जो ऊपर था SYBA, SYBCOM, SYBCOM फाइनेंस वाले, अच्छा ये जो नीचे हो रहा है ये सिर्फ रिपीटर, सेम वन में भी रिपीटर स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट नहीं थे, फ्रेशर स्टूडेंट सिर्फ सेम टू और फोर में है, सेम वन और थर्ड में ओनली रिपीटर स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग आपको दोस्तों दे दिया गया है, अगर इनका एग्जाम की बात करूं तो 27 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक या 4 अगस्त तक का चलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेम वन पीजी डीएफएम के रिपीटर स्टूडेंट की, तो इनका भी एग्जाम जो टाइम होने वाला है वो 3 बजे से लेके 6 बजे तक का रहेगा, इवनिंग का रहेगा, आफ्टरनून और इवनिंग। इनका जो टाइम टेबल होने वाला है 25 जुलाई से लेके 28 जुलाई के बीच में। अगर सेमिस्टर टू पीजी डीएफएम की बात करूं, फ्रेशर और रिपीटर, टाइमिंग तो सेम होने वाला है एग्जाम का, लेकिन इनका जो डेट होने वाला है दोस्तों वो 31 जुलाई से लेके 3 अगस्त के बीच में होने वाला है। दोस्तों ये रहा आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जल्द से जल्द आपके वहां टाइम टेबल भी मुंबई यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे आप लोगों के लिए अपडेट करेगा, मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को यह अपडेट जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों आप तक यह इंफॉर्मेशन पहुंचे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले,
और दोस्तों अगर आपको कुछ इंक्वायरी निकालना है, कुछ इंक्वायरी जानना है, तो प्लीज वीडियो में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट के भरे रिप्लाई ना दूं, लेकिन कमेंट जरूर रीड करता हूं। अगर मुझे लगता है कि इस रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाता हूं। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।